नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल गुरु हिंदी में। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ा खुशखबरी, तमाम रेलवे कर्मचारी, सेंट्रल कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सभी सेंट्रल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पहले यदि आप किसी भी मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल में ट्रीटमेंट कराते थे, चाहे वह सेंट्रल कर्मचारी हो या पेंशन भोगी हो, तो सरकार के द्वारा उसका पे नहीं किया जाता था, यानी कि जो भी खर्च होता था उसका भरपाई सरकार के द्वारा नहीं किया जाता था। लेकिन अभी सरकार ने एक निश्चय लिया है कि चाहे वह रेलवे का या फिर सेंट्रल कर्मचारियों का जो भी हॉस्पिटल हो, उससे पेनलाइज हॉस्पिटल हो या ना हो, हर कर्मचारी, हर एम्प्लॉय अपना सुविधा के हिसाब से किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे, और कराने के बाद जो भी बिल होगा उसका भुगतान सरकार देने के लिए सहमति कर चुके हैं। तो पहले के जैसा अब ऐसा प्रतिबंध नहीं रहा, अब चाहे तो कहीं भी रेलवे हॉस्पिटल हो या सेंट्रल का कोई भी हॉस्पिटल हो जो पैनल में नहीं है, अपने सुविधा हिसाब से किसी भी हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे और उसका बिल सरकार से आप ले पाएंगे, क्योंकि इसका निर्णय सरकार ने ले लिया है। तो ये थी रेलवे और सेंट्रल कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है कि आपको यह अपडेट अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।